हर आदमी कोरोना पर ज्ञान दे रहा है, कोई हाथ धुलवा रहा है, कोई मास्क लगवा रहा है, कोई कह रहा है कि मुंह पर गाय का गोबर लगाइए, कोई गौमूत्र को कोरोना का रामबाण बता रहा है। तो हम भी आपके लिए गौमूत्र ले आए। अब ज्ञान देने वाले लोग ये गौमूत्र पीते हैं या नहीं, ये हम दिखाते हैं आपको। आइए मेरे साथ। गौमूत्र और गाय का गोबर, ये इलाज है कोरोना वायरस का? जी हाँ, मैं अखिल भारतीय गौ रक्षा महासंघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मानते हैं कि गौमूत्र और गोबर से बेहतर जो है कोई इलाज नहीं। जी हम आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए गौमूत्र, और यही हम चाहते हैं कि इसके ज्यादा नहीं, सिर्फ चार बूंद, चार घूंट इसके पी लीजिए और लोगों को बताइए, खुद भी बचिए कोरोना वायरस से और लोगों को भी बचाइए नेताजी। हाँ। ये लीजिए, इसको पीना है नेताजी, क्योंकि इससे लोगों को थोड़ा संदेश देना है। पिला रहे हैं, हम पिला रहे हैं। ज्ञान तो हर कोई देता है नेताजी। गिलास ले आइए। गिलास नहीं, दो घूंट पी लीजिए इसी से। गिलास ले आइए, गिलास में हम पानी डालेंगे, पानी के साथ डालकर मतलब होंगे पियेंगे हम। गौमूत्र पीने में क्या बुराई, लीजिए। गौमूत्र तो दवा है। कार्यालय में चलिए, वहाँ लोग पियेंगे। हाँ, चलिए भाजपा कार्यालय। बिल्कुल, आप चलिए। आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, तो आप बताइए कि गौमूत्र से इलाज संभव है कि नहीं? नहीं, अब ये तो बताना क्या, अनुसंधान का विषय है, पहले प्रयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। आपने कभी गौमूत्र का सेवन किया है? नहीं, हमने किया क्यों नहीं, बिल्कुल किया है। आपके लिए गौमूत्र लेकर आए हैं, तो एक बार पूछ लेते हैं कि आप जो है लोगों को शिक्षा दे, ज्ञान दे कि लोग कम से कम गौमूत्र पिए, नहीं तो लोग कहते हैं कि भैया गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं है, है? जब तक एक बैग पकड़ लो भैया हमारा। हाँ, थैंक यू। गौमूत्र के पेशाब, गाय के पेशाब को लोग छूते नहीं है, बड़ा परेशान रहते हैं, तो आप कम से कम बताएंगे तो लोग समझेंगे। दो बूंद माने कि ये गौमूत्र ही है? गौमूत्र है, विश्वास कीजिए। पतंजलि राम बाबा पर, रामदेव बाबा पर विश्वास नहीं, हम आपके कहने से थोड़ी मान लेंगे। रामदेव पर विश्वास नहीं, विश्वास की बात सब कोई अलग बात है, लेकिन हम आपके कमाल लगे गौमूत्र ही है ये। भाग क्यों रहे हैं, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हुआ। ये लीजिए गौमूत्र। नहीं तो हम पी चुके हैं आज मैडम, आज फिर पी लीजिए। नहीं, सुबह हमने पिया है। एक बार हम योग करते, प्रसाद है, पीजिए। बस क्या बात है, बहुत बढ़िया। गौमूत्र दे रहे हैं लोगों को, आप पियेंगे? बहुत शुद्ध गौमूत्र है नेताजी, क्यों मना कर दिया? नहीं मना किए, चलिए गौमूत्र पिया जाएगा, गौमूत्र है। तमाम बीमारियों से बचाता है ये गौमूत्र, इसीलिए इसको हर बीमारी का रामबाण बताया जाता है। नेताजी आप भी एक बार पीकर देखिए। एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से लिया जाए। सही बात, रामदेव बाबा का गौमूत्र। गौमूत्र, हाँ, ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद लीजिए। ले लो भाई, प्रसाद लीजिए। अब प्रसाद दे रहे तो अच्छा, आप ले लीजिए, प्रसाद लेंगे लेना ही नहीं चाहते। अच्छा आप ले लीजिए, पर हाथ में छिड़क लीजिएगा, छिड़क लीजिएगा। क्या है, छिड़क लगा चुके हैं हम, ले चुके हैं इसको। गौमूत्र का सेवन करने से और गाय का गोबर का लेप लगाने से शरीर पर किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हो कि नहीं? देखिए, जहाँ तक कि मेरे को लगता है कि मैं बिल्कुल सच है कि गाय के गौमूत्र से काफी कुछ जो है बीमारियाँ दूर होने का संभव है। मतलब आपने एक्सपीरियंस किया है ऐसा? बोल दीजिए कैमरे को, हमने एक्सपीरियंस किया है ऐसा। जी हाँ जी, बिल्कुल जो है मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ आपके पर्सनल एक्सपीरियंस को एक और एक्सपीरियंस बनाने के लिए हम अपने साथ में गौमूत्र लेकर आए हैं। कहे कि आप लोगों का ख्याल रखना होता है, तो ये गौमूत्र है हमारे पास में, ये गौमूत्र है, आप इसकी बस चार बूंद पी लीजिए। देखिए पीने, ये तो पकड़ तो लीजिए। हाँ जी, मैं बिल्कुल पकड़ सकता हूँ। आप दो चार बार ऐसे हाथ में लेके ऐसे ऐसे खुद पर छिड़क लीजिए। कुछ नहीं, इतना ही करके दिखा दीजिए, आप तो एक्सपीरियंस कर चुके। देखिए करके दिखा दीजिए, आप ये करके दिखाएं। ये करके नहीं दिखा रहा, अभी मैं जो है किस मूड से आया था मैं। अच्छा, इसके लिए मूड होता है क्या? इसके लिए मूड होता है? मूड नहीं होता, ये जो चीज मैंने आपसे बताया। करेंगे कि नहीं करेंगे? अच्छा चलिए, बता दीजिए कैमरे को, आपने एक्सपीरियंस। मैं ये एक्सपीरियंस नहीं कर सकता हूँ मैं। नो थैंक यू, नो कमेंट सर। किया था नहीं किया था? सच्ची बता दो कैमरा। बिल्कुल किया हुआ था। मैं दोबारा कर दो, तो दोबारा कर दो। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैं नहीं कर सकता इसको, पब्लिक पेस्ट करना चाहिए मैडम, करना।